नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश है, लेकिन ये खतरा फिलहाल टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक शिवपुरी में और गुना में अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का रेड अलर्ट है। बीते 24 घंटों के दौरान 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है शिवपुरी और आसपास के तमाम जगहों पर। जबरदस्त बारिश के बाद 1000 के करीब ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हुए हैं। एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिनों से जारी है। कल शाम से एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीमें जो हैं फिलहाल शिवपुरी, दतिया, गुना के आसपास डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि यहां पर तमाम ऐसे लोग हैं, करीब 2000 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें बीते 24 घंटों के दौरान रेस्क्यू किया गया है। गांव के गांव पानी से घिर गए थे। ऐसे में लोगों के सामने जो विकल्प था बाहर निकलने का, वो सिर्फ या तो एयरफोर्स के हवाई जहाज के जरिए था, हेलीकॉप्टर के जरिए, या फिर नाव के जरिए। और इसीलिए एनडीआरएफ की टीमें नाव से लोगों को बाहर निकाल रही है, तो एयरफोर्स हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू कर रही है। लेकिन अब जो बड़ा खतरा है शिवपुरी के सामने, वो ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान रेड अलर्ट जारी किया गया है, और मौसम विभाग के मुताबिक यहां पर जो रिकॉर्ड है वो अति भारी से अत्यधिक भारी बारिश का हो सकता है, और इसीलिए 115 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। लेकिन अकेला शिवपुरी नहीं, शिवपुरी के अलावा गुना है, श्योपुर है, नीमच और मंदसौर, ये वो जगह है जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और इसके अलावा येलो अलर्ट भी है छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, निवाड़ी, खंडवा, नरसिंहपुर, रतलाम और होशंगाबाद। यहां पर 64 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। तो एक तरफ तो बीते 24 घंटों से जबरदस्त बारिश हो रही है, ग्वालियर चंबल संभाग पूरी तरीके से बारिश में, एक तरीके से देखा जाए तो बारिश का कहर ग्वालियर चंबल संभाग पे बरपा है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है कि अगले 24 घंटों में भी अगर इसी तरीके से बारिश होती रहती है जैसा कि मौसम विभाग पूर्वानुमान जता रहा है, तो ये खतरा कहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर 15 से लेकर 20 फीट तक का पानी उन गांवों पे जाने वाली सड़कों पर भरा हुआ है, और गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है।